हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल कंपटीशन पावर को सब्सक्राइब करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं डालता हूं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट जीके और जीके से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिले। आज मैं नंबर सिस्टम जो चैप्टर है अपना, उसकी कुछ ट्रिक्स बाकी रह गई थी वो बताने वाला हूं। तो इसमें एक ट्रिक है लंगड़ा बिन। लंगड़ा बिन सबसे पहले अपन बात करें होती क्या है। 1 + 1 / 1 + 1 / 1 + x, इस तरीके की जो भिन्न होती है उसको अपन लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। और इसको सोल्व करने की एक डिजिट है, एक ट्रिक है अपनी। तो इसमें ट्रिक क्या होगी अपनी, इतनी ट्रिक्स होगी 3x + 2 / 2x + 1। इस ट्रिक से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसी ट्रिक्स पे अगर अपने पास एक एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल मान लो जैसे कोई आपको कोई डिजिट देते हैं 1 / 1 + 1 / 1 + 1 / 5, तो अपन x का, x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख देते हैं। x = 5, तो 3 × 5 + 2 × 5 + 1 = क्या आ गया, 15 × 2 = 17 / 11। ये इसका आंसर आ गया। अगर मान लो यही भिन्न हो और हमारे पास साइन नेगेटिव हो, तो उसको अपन कैसे करेंगे। जैसे मान लो इस तरीके से अगर अपने पास हो 1 - 1 / 1 - 1 / 1 - 1 / x, तो इसको सोल्व करने की क्या ट्रिक है कि इसमें जो आपको x दे रखा है वो आपका आंसर है। जैसे मान लो एक एग्जांपल अपन सोल्व करते हैं, 1 - 1 / 1 - 1 / 1 - 1 / 4, तो आंसर क्या आ गया आपका 4। इस तरीके से अपन लंगड़ा भिन्न को सोल्व करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जिस तरीके से अपन कंपटीशन एग्जाम में सवाल वगैरह सोल्व करते हैं, तो अपन को किसी भी संख्या का घनमूल, वर्गमूल, घन, वर्ग और अंडर रूट की डिजिट, वो सारी अपन को टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो जो डिजिट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, लगभग आपको 30 तक स्क्वायर, लगभग 15 या 10 तक घन और लगभग अंडर रूट 10 तक की डिजिट का आपको आंसर याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको इसमें सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। जैसे अपन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, अगर इनका अपन वर्ग निकालें, तो इसका आपको याद रखना है 121 होता है, इसका 144 होता है, इसका 169 होता है, इसका 196 होता है और इसका 225 होता है, इसका 256 होता है, इसका 289 होता है, इसका 324 होता है, इसका 361 होता है और इसका 400 होता है। इसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे 441, 484, इसके बाद 529, इसके बाद 576 और इसके बाद 625। इस तरीके से आप सीरियल वाइज इनको याद कर लें। नेक्स्ट में जैसे अपन 26, 27, 28, 29 और 30, इनके भी अगर अपन याद करना चाहें तो 6, 7, 6, 7, 2, 9, 7, 8, 4, 8, 4, 1 और 9, 0, 0। इसके बाद अपन बात करते हैं किसी भी संख्या के घन। लगभग 10 तक की संख्याओं के तो घन आपको याद ही कर लेने चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जैसे 1 का घन क्या होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इसके बाद
अंडर रूट, अंडर रूट में जैसे अपन बात करते हैं अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट एट और अंडर रूट टेन। अंडर रूट टू होता है 1.414, 1.732, इसको याद करो 22 36, इसको याद करो 24 49, पॉइंट लगा दो, इसको याद करो 26 46, इसको याद करो 28 28 और इसको याद करो 31 62। इस तरीके से ये जो डिजिट है इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ नोट करवा दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आपको याद भी करनी है। अपना टारगेट क्या है, याद करना। इसके बाद अपन अपनी नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर अपने पास कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके के सवाल आएंगे ए उसका अंडर रूट ए, उसका अंडर रूट ए, उसका अंडर रूट ए और उसका अंडर रूट ए, इस तरीके का अगर सवाल हो तो उसके लिए ट्रिक क्या है, उसके लिए ट्रिक्स है अपनी 2 की पावर n-1 ए टू एन। अगर यहाँ पे ए की जगह कोई डिजिट हो जैसे एग्जांपल में अपन सोल्व कर सकते हैं कि जैसे अंडर रूट फोर और अंडर रूट फोर, इस तरीके का आपके पास कोई सवाल हो तो इसमें क्या चीज देखी जाती है। सबसे पहले तो ए क्या है, संख्या जो आई, एन क्या है, संख्या जो कितनी बार आई, जैसे ये है 1 2 3 4 5 बार आई तो एन की वैल्यू आ गई 5। अब आप पुट करें सवाल में 2 की पावर 5 -1 और ए क्या है 4 2 5, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 5 कितना होता 32 और 32 - 1 31 बट्टा 4 की पावर 32, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद अगर अपन सिंपली भिन्न की बात करें तो नॉर्मली जो सवाल अपने पास कंपटीशन में आते हैं वो ये आते हैं कि अपने कोई भिन्नों का ग्रुप दिया जाता है और उसमें अपन को ये पूछते हैं कि इसमें से बढ़ता हुआ क्रम कौन सा, घटता हुआ कौन सा क्रम कौन सा है, ठीक है। या अपन को बट्टे में जो कोई संख्या दे दी जाती है 3 4 ग्रुप में उसमें अपन को फिर भाग दे देकर देखना पड़ता है कि कौन सी कम आ रही है, फिर उससे कम कौन सी आ रही है, तो अवरोही और आवरोही क्रम बोलते हैं इसको। तो इसमें अपने पास 3 4 क्रम है, जैसे सबसे पहले है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ कैसे, जैसे 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, इसका उल्टा हो जाएगा अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम घटता हुआ, ठीक है। इसका उल्टा कर लेंगे जैसे 1 फिर 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, इस तरीके से। इसके बाद उचित भिन्न, उचित भिन्न कौन सी होती है, वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको अपन क्या बोलते हैं उचित भिन्न, जैसे 7/9। इसके अलावा एक और आती है अनुचित, अनुचित भिन्न जो होती है ये क्या होती है, इसकी उल्टी होती है, इसका अंश बड़ा हो, अंश बड़ा और छोटा क्या होता है, हर छोटा होता है, जैसे 12/5। एक अपने पास आती है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न जैसे कोई भी भिन्न जो बट्टे में हो, जैसे 1/2, ठीक है, 3/4, ये साधारण भिन्न है। दूसरी आती है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न कोई भी संख्या अपने पास इस तरीके से हो, 2 से ही 3/5, 4 से ही 1/2, 8 से ही 4/9, इस तरीके की जो भिन्न है उसको अपन मिश्रित भिन्न बोलते हैं।
कई बार लोअर लेवल की जो क्लासेस होती है उनमें इस तरीके के सवाल भी आते हैं कि ये जैसे मान लो मिश्रित दिन दे दी, इसको साधारण दिन में बढ़ाओ, तो इसको कैसे करते हैं? नीचे की डिजिट को इधर वाली डिजिट से गुणा करो और ऊपर वाली डिजिट में उत्तर आए उसको जोड़ दो। जैसे 5 दूनी 10 और प्लस 3 13 बट्टा 5, इसका 4 दूनी 8 और 1 9 बट्टा 2, इसका 8 नंबर 72 और 4 76 बट्टा 9। तो ये सारी हो गई साधारण दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो, जो सवाल आपके पास हो आपको नहीं आता हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेजें, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट जॉब की मोर से मोर अपडेट के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और दशहरे की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ।